इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दो तरीके के होते हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। पहले बात करते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्हें बिल्कुल ही नए सिरे से शुरू किया जाता है वो होते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट के अंदर जो भी काम होता है वो एकदम नए तरीके से ग्राउंड लेवल से शुरू किया जाता है। नाम से समझ में आता है ग्रीन यानी फ्रेश अनटच्ड। वैसे ही ऐसी जमीन जहाँ पर अब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई वहाँ पर जब कोई शुरुआत होती है किसी भी प्रोजेक्ट की उन्हें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का नाम दिया जाता है। अगर एग्जांपल में बात करें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की तो साल 2007 में मर्सिडीज बेंज ने इंडिया में अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुणे महाराष्ट्र के पास में एक 100 एकर्स की जमीन खरीदी ताकि इंडिया में वो एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर पाए। और उस समय पर जो जमीन उन्होंने सिलेक्ट की वो एक बिल्कुल ही अनयूज्ड अनडेवलप्ड प्लॉट ऑफ लैंड था। वहां पे पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था और शहर से भी अनकनेक्टेड था, जहां पर कोई यूटिलिटीज भी नहीं थी, बिजली पानी इन जैसी चीजें भी नहीं थी। और यहां पर इसे डेवलप किया गया और ये उस समय पर इंडिया का फास्टेस्ट ग्रीन फील्ड ऑपरेशन माना गया था, जहां पर देश का वन ऑफ द फास्टेस्ट सीकेडी प्लांट्स या कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट्स के द्वारा बनाया गया हुआ कार प्लांट बनाया गया था। अब बात करते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स की। तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट से अलग ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर डेवलपमेंट पहले ही एग्जिस्ट करता है, यानी इस प्रोजेक्ट का काम ग्राउंड लेवल से शुरू नहीं होता। कहीं पर कोई बिल्डिंग, ब्रिज, एयरपोर्ट इन जैसे कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो पहले ही बने होते हैं उनके अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन या फिर इनको तोड़कर कोई नया प्रोजेक्ट जब बनता है तब उन्हें ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। यहां पर जो लैंड यूज हो रहा है वो बिल्कुल फ्रेश नहीं होता है बल्कि वहां पर पहले ही कुछ तो होता है। अगर एग्जांपल ले तो जो मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर एक मेजर रीडेवलपमेंट हुआ था 5 साल पहले और ये एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट था जहां पर बड़े पैमाने पर एक एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट को मॉडिफाई किया गया। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को समझने से ज्यादा जरूरी ये है कि इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो हम समझें। पहले बात करते हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के मिलने वाली डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटीज की। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्योंकि कुछ है नहीं, सारी चीजें नए से बनानी है तो चाहे वैसा डिजाइन बनाया जा सकता है। वहीं पर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि वो एक लिमिटेड स्कोप में होता है, एक डेवलप्ड जमीन पर होता है। वहां पर यूटिलिटीज हो, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हो, रोड्स हो, ऐसे कई सारी चीजें होती है जो मॉडिफाई नहीं की जा सकती और इसके वजह से ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों डिफिकल्ट होते हैं। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में टैक्स ब्रेक्स और इंसेंटिव्स जैसी सब्सिडीज मिलती है जो कि ब्राउनफील्ड में नहीं मिलती। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इनका एस्टैब्लिशमेंट काफी होता है लेकिन इससे अगर हम कंपेयर करें ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को तो यहाँ पर जो क्लियरेंसेस की जरूरत पड़ती है, लायबिलिटीज जो होती है ऐसे प्रोजेक्ट बनाते समय वो इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है वो खर्च काफी कम कर पाती है, वहीं पर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में ये ज्यादा होता है क्योंकि एग्जिस्टिंग चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है जो ज्यादातर केसेस में पुरानी या फिर पहले ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुकी होती है। अप्रूवल और परमिशन की बात करें तो ग्रीनफील्ड सिटीज को बनाने के लिए कंपैरेटिवली कई सारे अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है। अप्रूवल्स की बात करें तो ग्रीनफील्ड सिटीज के अंदर जनरली होता यह है कि पूरी तरीके से नए लेवल पर प्रोजेक्ट क्योंकि बन रहा होता है तो कई सारे इनिशियल्स और बड़ी अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्राउनफील्ड के अंदर मे भी बड़ी अप्रूवल्स की जरूरत ना पड़े लेकिन छोटे छोटे इतने सारे अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है कि ये प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। बात करें एनवायरमेंटल कंसर्न्स की तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्योंकि एक फ्रेश और अनडेवलप्ड लैंड पर होता है तो ये कहीं ना कहीं पर अर्बनाइजेशन ले आता है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, किसी फ्री जोन का लैंड हो, किसी ग्रेजिंग ग्राउंड का जमीन हो, इन चीजों के जैसे एनवायरमेंटल ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ज्यादातर नेगेटिव इंपैक्ट ले आते हैं। लेकिन ब्राउनफील्ड के अंदर काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक रिसाइकलिंग रीयूज की तकनीक इस्तेमाल होती है जिसके वजह से कंपैरेटिवली इनका एनवायरमेंट कॉस्ट कम होता है। वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादातर जो ग्रीन सिटीज बनती है वो काफी दूर होती है करंट डेवलपमेंट से, जिसकी वजह से इनिशियल डेज के अंदर ग्रीनफील्ड सिटीज को वर्क प्लेस के तौर पर अच्छा नहीं देखा जाता और कई सारी कनेक्टिविटी इश्यूज यहाँ पर देखने के लिए पड़ती है। लेकिन ब्राउनफील्ड के अंदर ये समस्याएं नहीं आती। देश में आज के डेट में कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीनफील्ड तरीके से बनाए जा रहे हैं, कई एक्सप्रेस वेज, कई सारी इंडस्ट्रियल पार्क्स, कई सिटीज तक हमारे देश के अंदर ग्रीनफील्ड बन रही है। इनके पीछे का मेजर रीजन ये है कि देश की कई सारी सिटीज, हाईवेज, रूट्स आज उस कंडीशन में पहुंच गए हैं जहां पर इनका ग्रेडिशन या मॉडिफिकेशन किसी भी तरीके से फ्यूचर के लिए इन चीजों को तैयार नहीं कर सकता। ग्रीनफील्ड सिटीज का अगर हम एग्जांपल लें, ढोलेरा, गिफ्ट सिटी, ये सारे के सारे शहर जो है ये पूरी तरीके से नए सिरे से बनाए जा रहे हैं जो फ्यूचर की चीजों को देखते हुए बनाए गए हैं और कोई करंट सिटी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता
उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो ये नए शहर करेंगे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, कई सारे ऐसे नए एक्सप्रेसवेज है जो अभी करंट जो अलाइनमेंट है इन एक्सप्रेसवे का उनके पूरी तरीके से बाहर से गुजरता है, क्योंकि एक स्पीड की जरूरत है इन रोड्स को बनाते समय। अभी करेंटली सिटीज के अंदर लैंड एक्विजिशन बहुत महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा बॉटलनेक्स का सामना इन्हें करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफिकल्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से कई बार जब कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट बनाना होता है तो आज के डेट में भारत में ग्रीनफील्ड को बेहतर माना जाता है ब्राउनफील्ड के कंपैरिजन में। और ये बात समझना ज़रूरी है कि अपने अपने प्रोजेक्ट्स अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेकर आते हैं।